Santosh Kumar bagged a bronze in Asian Games with his excellent performance. However, Santosh is not happy with his performance. Santosh Kumar has bagged a bronze for India in Wushu in the Asian Games 2018. However, citizens of the country are happy for the medal. Santosh is not much satisfied with this achievement. मैडम बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ अपने परफॉर्मेंस से, क्योंकि मैं गोल्ड के लिए आया था यहाँ पे. दो मेरा ये तीसरा एशियन गेम्स है, दो में मेरे कुछ मेडल नहीं आया था, दोनों में पहले पहले फाइट हार चुका था. तो मैंने यहाँ सोचा था, इतनी मेहनत करी थी मैंने कि इस बार मैं गोल्ड ला सकूँ, बट इस बार मुझे ब्रॉन्ज से संतुष्ट होना पड़ा. हमें मिल रहा सपोर्ट तो मिल रहा है पूरा, जैसे और गेमों को मिलता है वैसे हमें हमारे गेम को मिलता है. सपोर्ट मेरे को कमी नहीं गवर्नमेंट का, बट थोड़ा हमें और ज़्यादा चाहिए बस, और कुछ नहीं. मैं स्पोर्ट्समैन बस ये मैसेज देना चाहूँगा कि थैंक यू सर, आपने हमारी बहुत हेल्प करी यहाँ तक के लिए. बस चाहते हैं लाइफ में हमारे लिए, फ्यूचर हमारे लिए और भी थोड़ी हेल्प करें कि हम आगे जा सकें और आगे जा सकें. इसमें तो मीडिया गलती बोलूँगा, क्योंकि मीडिया सिर्फ क्रिकेट के अलावा कुछ दिखाती नहीं है. और कुछ मतलब मीडिया अगर क्रिकेट की जगह और सभी गेमों को प्रमोट करे तो और बढ़िया रहे, सबको जाने. मेरे कोच थे मिस्टर राजवीर सिंह, मतलब जहाँ दिल्ली में रहते हैं वहीं पे वो रहते थे. उस टाइम दिल्ली के सेक्रेटरी थे, तो स्कूल में हम जाते थे खेलने के लिए, तो हमने देखा करते हो वो शू. तो फिर हमने पूछा उनसे कहाँ है, तो उन्होंने हमें आईजी स्टेडियम भेजा. हमने आईजी स्टेडियम प्रैक्टिस करी, वहाँ पे साई में आ गए हम. उसके बाद से वहाँ से सिलसिला शुरू हो गया हमारा 2004 से. फिर फर्स्ट मैच नेशनल 2004 में रहा, तो उस टाइम से मेरा गोल्ड कंटिन्यू गोल्ड है 2004 से. क्योंकि ये गेम थोड़ा लड़ाकू टाइप था, मज़ा आता लड़ने में, मतलब एक मैन टू मैन वाली फाइट आती है ना, तो अलग ही फीलिंग होती है कि मतलब एक धाक दिखानी होती है कि मैं मार सकता हूँ मैं भी. मैं इसलिए इस गेम में आ गया ना.